शो में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, यहाँ पर अरमान खेत में है अपने ट्रैक्टर के साथ, जहाँ पर आसमा पहुँचती है। आसमा के साथ बहुत अच्छी प्यारी बातें होती हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर आसमा चाहती है कि मम्मी जी के बारे में बताए, रणविजय के बारे में बताए। वो बताती है कि मम्मी जी कुछ हमसे छुपा रही हैं, कुछ ऐसी बात है जो वो बताना तो चाह रही है लेकिन वो बता नहीं पा रही है। यहाँ पर जो अरमान है वो कह देता है कि मम्मी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी, वो तो चाहकर भी कुछ हमसे नहीं छुपा सकती हैं। लेकिन तब तक बलविंदर वहाँ पहुँच जाता है, हाँ वही बलविंदर जिसकी बेटी का सर मेहर ने फोड़ा था, और ऐसे में वो आसमा के साथ बदतमीजी करता है। इसके अरमान से सहन नहीं होता, अरमान बलविंदर को बहुत मारता है। तभी आसमा उसे रोक देती और कहती है कि नहीं अरमान, तुम अब जो है अपना ये गुस्सा किसी पे भी जाहिर नहीं करोगे, किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें कसम देती हूँ। आपको बताते चले कि वहां से दोनों चले तो जरूर जाते हैं, और इधर जो है मम्मी जी का पीछा करते हुए आसमा जो है अनाथालय पहुंच जाती है। अब अनाथालय में रानो एक लेडी जिसे सब मालूम है उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहां रानो को मालूम है कि आसमा सब कुछ पता करने आएगी। अब आसमा जब आती है तो देखती है कि वो लेडी ही नहीं है, ये तो कोई नई लेडी है। अब यहां पर आसमा बाहर निकलती तो मम्मी जी को देख लेती है अनाथालय के बाहर। वो पूछती है, मम्मी जी आप यहां क्या कर रही हैं? तब तक एक फोन आता है, उस फोन में ये कहा जाता है कि अरमान को कुछ गुंडे पीट रहे हैं। तब तक वहां पहुंच जाती है आसमा और सारे गुंडों को छक्के छुड़ा देती है। तब तक यहां पर रणविजय भी पहुंच जाता है, और रणविजय और आसमा मिलकर दोनों गुंडों को खूब मारते हैं, और फिर अरमान को काफी चोट आई है। अरमान ने हाथ नहीं उठाया था क्योंकि यहां आसमा ने उसे कसम दी थी। अब यहां पर आ गया है घर अरमान, लेकिन उसे रेस में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर वो रेस जीतेगा तो 25 लाख रुपए उसे मिलेंगे। देखना दिलचस्प ये होता है कि कैसे अरमान रेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि उसे चोट तो काफी लगी है, लेकिन इस रेस के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि यहां रेस तो जीतेगा अरमान, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी होने वाला है।